Well, hello, folks. Welcome to another episode of Bollywood This Week. With Mahawar Ansari, आप सभी लोग का शाहरुख खान की फिल्म पठान के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा मेरा भाई? एब्सोल्यूट फायरवर्क्स। जब मेरा थिएटर का शो छूटा, लिटरली स्पीकिंग पूरा का पूरा थिएटर यंगस्टर्स से भरा हुआ था। दे वर स्क्रीचिंग, दे वर शाउटिंग, दे वर हूटिंग, दे वर विस्लिंग। एंड जैसे हम लोग बाहर निकले, आई थिंक बहुत सारे नेशनल मीडिया के चैनल जो थे, जैसे कि एबीपी न्यूज, इन लोग सब बाहर रिव्यू देने के लिए खड़े हुए थे। उन लोगों ने जो चिल्लाया थिएटर से बाहर निकल कर, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, ना लेफ्ट देखिए ना राइट देखिए, चुपचाप पैसे निकालिए, टिकट खरीद के बैठ जा थिएटर की सीट पे, निकल ना जाए ये पठान एक्सप्रेस। आज आपको टिकट मिल जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन कल से आपको टिकट मिलेगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि गाइस, पठान इज अ बॉप वेटिंग टू एक्सप्लोड। इंटरवल के बाद जो प्रोसीडिंग्स होती है यहाँ पर, ये गाइस, इस बात किसी से भी छुपी नहीं है कि सलमान खान का इस फिल्म में कैमियो होने वाला है। एंड जब करण अर्जुन, सलमान खान एंड शाहरुख खान एक फ्रेम में आते हैं, दैट सीन इज अ लैंडमार्क सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। वो सीन में आप थिएटर में आराम से नहीं बैठ सकते हो। वो सीन में कॉमेडी है, वो सीन में एक्शन है, उस सीन में ब्रदर रोमांस है। इतना जबरदस्त ब्रदरहुड दिखाया गया है वहां पर, वो सीन बहुत ही एक्साइटिंग है, एड्रेनलिन रश देता है। लेकिन गाइस, फिल्म के मुद्दे से भटकते हुए ना भटकते हुए फिल्म के रिव्यू पे हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मेरी आपसे विनंती है, अगर आप फिल्म देख लो तभी रिव्यू आपको और अच्छा लगेगा। चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत होती है किस तरह से, थिएट्रिकल ट्रेलर में हमको बताया जाता है कि जॉन अब्राहम, यू नो, एक टेरर आउटफिट है जो कि इंडिया पे हमला करने वाला है। तो फिल्म की शुरुआत भी वहीं से होती है कि किस तरह से जॉन को हायर किया जाता है इंडिया पे हमला करने के लिए, एंड वहां से फिल्म की शुरुआत होती है। फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी है यहाँ पर सिद्धार्थ आनंद द्वारा डिजाइन किए हुए एक्शन ब्लॉक सीक्वेंसेस। एक्शन ब्लॉक्स लंबे हैं, लंबे चौड़े हैं, चलते जाते हैं, एंड एक एक जो फ्रेम रहता है एक्शन ब्लॉक का आपको एक्साइट करेगा, एंटरटेन करेगा। वुड फाइट सीक्वेंस जो हमने देखा ट्रेलर में, शाहरुख वर्सेस जॉन, वो वाला एक्शन सीक्वेंसेस, यू नो, आइस पे शूट हुआ एक्शन सीक्वेंस। गाइस, आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, दिस इज अ लैंडमार्क फिल्म। दिस फिल्म हैज बीन शॉट इन क्रोमा, हैवी यूज ऑफ वीएफएक्स हैज बीन यूज, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि वो सब वीएफएक्स का कमाल है। ऐसा लगता है कि जॉन एंड शाहरुख खान आर चेजिंग ईच अदर ऑन द बाइक। ब्रिलियंट। फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस फिल्म का बीजीएम। बीजीएम बाय सचेतन अंकित बलहारा इज माइंड नंबिंग। एक सीन आता है फिल्म में जहां पर पठान का जो बीजीएम है, यानी कि पठान का जो थीम सॉन्ग है एंड टाइगर का जो बीजीएम है, दोनों इंटर कनेक्ट करते हैं एंड दोनों एक साथ बजता है, दैट इज कंप्लीट गूजबम। जॉन का जो बीजीएम है, जब जब पिक्चर में आता है कुछ तो खतरनाक होने वाला रहता है। ऐसी फिल्मों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? मिशन। द मिशन शुड मेक सेंस। लेकिन गाइस, जॉन अब्राहम जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपके लिए फिल्म में रखा है, आप जब फिल्म में रखोगे, यू विल बी इन लव विद जॉन अब्राहम्स कैरेक्टर। द मिशन इज स्कैरी, द मिशन इज डेडली, आपको लिटरली होश उड़ जाएंगे, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली मिशन क्या है। यहां पर जॉन इज बैक इन द विलनेस मोड। उसकी एंट्री सीक्वेंस, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी डायलॉग डिलीवरी, एक ए लिस्टर बॉक्सर में यहाँ पर शॉट्स देता है अपने, उससे बड़ी बात क्या होती है? सिद्धार्थ आनंद ने उनको इंटरनेशनल विलन की तरह प्रेजेंट किया है। हिज स्वॉव, हिज क्लासिक, उनकी डायलॉग डिलीवरी, अब्बास टायर वाला के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, देशभक्ति भरे डायलॉग्स हैं, इमोशनल डायलॉग्स हैं। वन टू वन जब सीन्स होते हैं ना, ऑल फेमस, जैसे बात करें जॉन एंड अभिषेक धूम, जॉन एंड ऋतिक धूम 2, यहाँ पर इट्स द फेस ऑफ बिटवीन पठान एंड जिम, यानी कि जॉन अब्राहम एंड शाहरुख खान। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ट्रेलर में देख ली है गाइस, कोई नया चीज मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। बात करते हैं शाहरुख खान की। शाहरुख खान का सबसे पहला इंट्रोडक्शन टीजर जो था ना, कि उसका नाम पठान कैसे पड़ा, जल्दी मिलते हैं पठान से, ये जानने की उत्सुकता सभी लोगों में थी। द बैक स्टोरी सपोर्टिंग पठान, कि उसका नाम पठान कैसे पड़ा, इज वेरी इमोशनल। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग क्रक्स, एंड वो किस तरह से फिल्म में यूज होता है वो बहुत ही बेहतरीन है। शाहरुख खान ने बाप लेवल की बॉडी बनाई है। द सीन्स वेयर शाहरुख खान अपनी बॉडी दिखाते हैं, नॉट इन द झूमे जो पठान, फिल्म के दौरान भी दिखाई जाती है, बहुत अच्छी है। शाहरुख खान कॉमेडी भी करते हैं, शाहरुख खान रोमांस भी करते हैं, शाहरुख खान इमोशनल भी होते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन शाहरुख खान एक्शन करते हैं। द एक्शन स्टार शाहरुख खान यहां पर आपको गूजबम्स देते हैं हर एक मोमेंट, जहां शाहरुख खान चाहे वो हाथ में गन लेते हैं, चाहे प्लेन से लटकते हुए दिखाई देते हैं, या फिर इस सीन में जिस तरह से कन्फ्रंटेशन करते हैं, शाहरुख खान स्टैम्प ऑल टुगेदर,
सलमान खान एंड शाहरुख खान इन वन फ्रेम इज अ डिलाइट टू वॉच. लेकिन 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 यहाँ पर उस तरह से नहीं किया गया है कि हर फिल्म में बस हीरोइन को नाच गाने के लिए रखा जाता है. देयर इज नाच एंड गाना, बट दीपिका पादुकोण हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. हर कैरेक्टर इज अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू इन द फिल्म. सरप्राइज इन टर्म्स ऑफ अ परफॉर्मेंस, उनका यू नो इमोशनल अंडरटोन, उनकी भी बैक स्टोरी. सिद्धार्थ आनंद एंड श्रीधर राघवन ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्टोरी एंड स्क्रीन पे तैयार किया है कि स्क्रीन पे एंड स्टोरी वाइज आपको डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं होगी. प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर बैक स्टोरीज है, प्रॉपर मिशन है एंड प्रॉपर क्लाइमैक्स है. इट्स अ कंप्लीट पैकेज. ऐसा नहीं कि बस एक्शन ब्लॉक्स भर दिए हैं. दीपिका पादुकोण लुक्स हॉट, शी लुक्स सेक्सी, शी लुक्स रैविशिंग इन एक्शन सीक्वेंसेज. चाहे वो पठान के साथ एक्शन सीक्वेंसेज हो या फिर उनके खुद सोलो एक्शन सीक्वेंसेज हो, बहुत ही क्लास एंड इलान के साथ उन्होंने किया है. गाने की बात करें, झूमे जा पठान बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है. पब्लिक थिएटर से उठने का मन नहीं करता, लेकिन कृपया करके जब गाना खत्म हो थिएटर से मत उठिए, आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है. बात करते हैं गाइस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन की. द सेट्स बाय रजत पोद्दार अ मैग्निफिसेंट. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, चाहे वो केव्स हो, बंकर हो, जिस तरह से पूरा का पूरा गन एंड फ्ली मार्केट बनाया गया है, होटल रूम्स डिजाइन किए गए हैं. महामारी के बाद शूटिंग करना आसान नहीं था एंड प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ही जबरदस्त तरीके का यहाँ पे किया है. VFX by YFX is brilliant. To the point है, बहुत ही बिलीवेबल लगता है. यू फील दीज कैरेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द रियल इवेंट्स जो कि प्लेस हो रहा है यहाँ पर, जो कि बहुत ही टफ सीक्वेंस है. यहाँ पर जो अबू धाबी का सीक्वेंस है, हेलीकॉप्टर वाला सीक्वेंस है, आई कैनॉट बिलीव इट कि VFX द्वारा इतनी जबरदस्त तरीके से, चाहे हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट हो, VFX प्लेट्स यूज आर ब्रिलियंट ओवर हियर. यू कैनॉट डिफरेंशिएट, ऐसा लग रहा है कि ऑल आर शूटिंग एट लाइव लोकेशन. लेकिन गाइस बात करें डायरेक्शन की, सिद्धार्थ आनंद स्ट्राइक्स बिग टाइम. सीरियसली बोल रहा हूँ, इस बार उनका डायरेक्शन काफी टू द पॉइंट है एंड शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम इनको सबको सपोर्ट करता है. इसका एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग स्टार कास्ट. डिंपल कपाड़िया कैरेक्टर इज सुपर्ब, शी हैज एन इमोशनल अंडरटोन टू अ कैरेक्टर. आशुतोष राणा इज रियली गुड, लगता है उनके कैरेक्टर में काफी मिस्ट्री छुपी हुई है जो काफी अच्छा है. अनफॉर्चुनेटली जो एजेंट्स है, चाहे वो शाजी चौधरी हो या दिगांत हजारिका हो, एक तो कॉल दे गॉट अ वेरी रॉ डील. उन वो बस यू नो अपीयरेंसेस के लिए यहाँ पर है, एक्शन सीक्वेंस में दिखाई देते हैं तो ये काफी डिसेंट है गाइस यहाँ पर. लेकिन बेशरम रंग जिस मोमेंट पे आता है फिल्म में काफी कूल लगता है. फिल्म इंटरनेशनल है, हॉलीवुड फिल्म जिस तरह से होती है, ये फिल्म देखकर कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये हॉलीवुड फिल्म नहीं है. इट्स अ कंप्लीट हॉलीवुड फिल्म मेड बाय सिद्धार्थ आनंद. लेकिन देशभक्ति के डायलॉग्स, इंडिया पाकिस्तान डायलॉग्स भरपूर भरे हुए यहाँ पर. ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं कि आपको तालियां सीटियां बजाने पर मजबूर कर देंगे. इट्स अ परफेक्ट कमबैक फॉर शाहरुख खान थ्रू नन अदर नाम पठान. अब पठान नाम क्यों पड़ा, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. जॉन इब्राहिम का क्या मिशन है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. क्या शाहरुख खान जॉन को रोक पाएगा, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. सलमान खान का जो कैमियो है, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. ऑल इन ऑल गाइस, मेरी आप सभी लोगों से विनंती है, कृपया करके किसी की बात ना सुनिए. टिकट का पैसा खरीदिए, जाके सीट पर बैठ जाइए. यू आर वेटिंग अ बाप लेवल फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस एंड ट्रस्ट मी, इस फिल्म को रोक नहीं सकता कोई बॉक्स ऑफिस पे. एंड जितना मेरे से कोशिश हुआ, मैंने आपको वही चीजें बताई है तो भैया आपने ट्रेलर में देखी है, वरना मैं जरा भी स्टोरी के बारे में बताऊंगा तो आपका मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा. इंजॉय द मूवी. ट्विस्ट एंड टर्न्स है, सरप्राइजेस है, एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत ही जबरदस्त तरीके का VFX किया गया. यंग ऑडियंस जो VFX के यू नो तरफ रुझाव ज्यादा है उनका, उनको बहुत मजा आएगा. यस, फिल्म के रिलीज के ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स जो कि स्पॉयलर्स रहेंगे. लेकिन फिलहाल यहाँ पर रेफरेंसेज की बात करें, स्पाई यूनिवर्स के अच्छे खासे रेफरेंसेज दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं. जितने लोग यूनिवर्स में बिलीव करते हैं वो सब काफी अच्छी तरीके से दिया गया है. गन्स, बुलेट्स, एम्यूनेशन, फ्लाइंग सूट, द फ्लाइंग सूट सीक्वेंस ऑन द बिग स्क्रीन इज अ विनर. ऑल इन ऑल, इन शॉर्ट आई गिव पठान 4/5 स्टार्स. बहुत ही जबरदस्त फिल्म है, मजा देती है, स्टार्ट टू एंड तक एंटरटेन करके रखती है एंड आई थिंक डेफिनेटली आपका पैसा जो है वो सिनेमाघरों में वसूल होगा. तो जाइए गाइस अपने नजदीकी सिनेमाघरों में पठान देखिए. भैया इधर आइए, आपको कुछ बताना चाहते हैं. अब हम जा रहे हैं IMAX में देखने पठान, क्योंकि गाइस यहाँ पर मॉर्निंग में IMAX शो सभी जगह फुल थे एंड आई वॉन्टेड टू कैच दिस फिल्म एज फास्ट एज पॉसिबल. इसलिए मैंने नॉर्मल 2D में देखा है, अब मैं इस फिल्म को IMAX में देखने वाला हूँ एंड 4DX में तो फिल्म बाप लगेगी. चाहे वो फ्लाइंग सूट वाले सीक्वेंसेज हो, प्लेन वाले सीक्वेंसेज हो, लोकेशंस बहुत ब्रिलियंट है, कॉस्ट्यूम्स बहुत मजेदार है. दीपिका पादुकोण के हेयर एंड मेकअप पे बहुत ज्यादा यू नो खर्चा किया गया है यहाँ पर एंड जॉन अब्राहम हैज इमर्ज्ड एज अ मेनेसिंग विलन. वो आपको नफरत हो जाएगी उसके कैरेक्टर से एंड उसकी बैक स्टोरी सुनोगे आपका दिमाग घूम जाएगा.
दिस फिल्म इज अ पैक ऑफ सरप्राइज, कुछ मत करो, फिल्म देखो, कल तक इंतजार नहीं करना है, आज ही देखना है, उसके बाद रिव्यू देखो, आपको और एंजॉयमेंट मिलेगी। लेकिन ऑल सेड एंड डन, दिस इज द किंग्स मूवी, यानी कि नारायण शाहरुख खान की फिल्म है, उनका कमबैक बहुत ही सॉलिड हुआ है, उनके एक्शन, उनके डायलॉग्स, जिस तरह से मैनरिज्म से परफॉर्म किया उन्होंने, बहुत ही ब्रिलियंट है, पूरी फिल्म को बांध के रखते हैं, एवरी सीन एवरी फ्रेम इज अ शाहरुख खान फ्रेम, जब जब वो फ्रेम में आते हैं शाहरुख खान वो फ्रेम अपना फ्रेम बना लेते हैं। गो एंड वॉच दिस फिल्म, अ मैसिव मेगा कमबैक फ्रॉम नन अदर शाहरुख खान। स्टे कूल मैन।